आज का जो मेरा मेरा पहला ये वर्ड ही शुरू होता है सवाल के साथ. तो मेरा सवाल है कि कितने लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, कि कुछ ना कुछ रीति से मैं खुदा के लिए कुछ एक काम करूं, है कि नहीं. हम लोगों जब खुदा ने चुना है तो एक ऐसा मतलब एक एक वचन में हम लिखते हैं यूहन्ना 12 में, कोई जल्दी जल्दी डालेगा तो क्योंकि वर्ड्स ज्यादा है तो रेफरेंस के द्वारा मैं आज बात करना चाहूंगी. यूहन्ना 1:12, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया उनको बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है. क्या आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया? तो हम क्या हो गए? बेटा और बेटी बन गए. अभी बेटा और बेटी हो गए तो जिम्मेदारी है कि नहीं? हर कोई जो बेटा बेटी है, जैसे हम हमारे बच्चों को ही देखते हैं, एक जिम्मेदारी हम उनसे उम्मीद करते कि ये जिम्मेदारी को करेगा करके. तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है. तो जैसे जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. हम सब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और हम सब को उसका बेटी बेटियां बनाया हुआ है. हालेलुया. तो मतलब हम उसकी सब उसकी सेवा करना चाहते हैं, है कि नहीं? हाँ, हम सब सेवा करना चाहते हैं. अभी हम देखते हैं कि किस एरिया में किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं. हम सीखेंगे पहली बात से कि जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर चाहता ही है, जब उसने आपको और मुझे चुना है तो उसने सबसे बड़ा कमीशन हमको दिया है. किसी को याद है क्या कमीशन है, क्या सबसे बड़ा काम हमको दिया है? यीशु मसीह जाने से पहले भी ये भूले नहीं इस बात को कि तुम जाना और मेरा सुसमाचार को प्रचार करना. मतलब एक काम दिया है. मतलब परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसने ये बताया कि बाप जब आपको बुला रहा है तो उसका मकसद आपकी जिंदगी के लिए है. वो बिना मकसद के आपको बुलाता नहीं है. अभी कोई एक इंजीनियर बन जाता है तो उसके पीछे एक मकसद होगा ना कि वो किस तरह का काम करे. तो हम क्वालिफाई कैसे हो गए? खाली विश्वास करने से. जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, विश्वास किया, हम क्वालिफाई हो गए काम करने के लिए. तो आज उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 25:14-30. किस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद भी चाहता था कि हम उस कामों को करें. मत्ती 25:14-30 को इसको पढ़ सकता है और सबको पता है ये जो यीशु मसीह ने कहा हुआ. इसको पैराबल ऑफ द टैलेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और उसमें हिंदी में उसको टैलेंट्स को क्या बोलते हैं? हुनर. हाँ, तो सबके पास क्या है? हुनर है. सबके पास है, सबके पास टैलेंट है. ऐसा कोई इंसान नहीं है बोल नहीं सकता कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है, बोल नहीं सकता है. क्योंकि जब यीशु मसीह ने चुना है तो आपके अंदर कुछ देख के नहीं चुना है, अपना सब कुछ आपको दे दिया है. हमें चुनते वक्त हम उस लायक नहीं थे, पर उसने क्या किया? जितनों ने ग्रहण किया उसको क्या किया? अधिकार दिया अपने बेटा और बेटी बनने के लिए. तो बेटा बेटी बन गया तो बिना उनहर वो हमें वो ऐसे ही नहीं बनाएगा, वो अपना उनहर पास ऑन करेगा. चलो उसको हम पढ़ेंगे अगर कोई हिंदी में या उर्दू में. क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. उसने एक को 5 तोड़ दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया. और जब और तब पर देश चला गया, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए. इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए. बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा. जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत
वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको दो तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे दो तोड़े सौंपे थे, देख मैंने दो तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छीटता वहाँ मैं बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपये सरापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो। हेलो, आई एम प्रिपेयर केमिस्ट नेडिया। और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। कोई बोल नहीं आंका ना था मैं तो यू नो आई वाज ओनली हां ओके आदमी आ क्योंकि जिसके क्योंकि जिसके पास है क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है वह उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो वह सर्व दूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। 30 तक पढ़ा ना, हाँ, तो बस 30 तक ही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सबको इस पैराबल का बारे में पता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर कहा, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन, हम सब खुदा के बादशाही में है। हम सब खुदा के बादशाही में है क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसके बच्चे बन गए, और उसके बच्चों का ही अधिकार है परमेश्वर का बादशाही, किंगडम ऑफ गॉड उसके बच्चे लोगों का है। तो हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ हेवन, और यहाँ पर यीशु मसीह दिखाया ये किंगडम ऑफ हेवन कैसा है, कि उसने किसी को क्या दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 2, किसी को 1 दिया। मतलब सबको अपना अपना अपने अपने टैलेंट के अनुसार, सबको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसने दिया, पर सबको मिला है। हम देखते हैं कि किसी को भेदभाव नहीं किया, जितने थे उन सबको परमेश्वर ने दिया। और फिर बाद में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो है उसको वो यूज करे, जो टैलेंट दिया है उसको यूज करे और उसको क्या करे, मल्टीप्लाई करे। ये हमने जानना चाहिए कि खुदा के दिल में ये बातें है, इसीलिए उसको ये पैराबल लोगों को बताना पड़ा कि तुम ऐसे मत करो कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए आप अकेले बैठ गए और सोच लिए कि हाँ भी मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और मुझे कुछ काम नहीं करना है। वो ऐसा जो कर रहा था उसको क्या बोला, उसको बहुत बुरी तरह से डांटा कि तू निकम्मा, लेजी, जिसने काम नहीं किया, अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट, और उसको किधर डाला, अंधकार में डाला। तो मतलब आज जो उजाला आपके अंदर है, जो परमेश्वर ने दिया, वो उजाला एक वो भी एक टैलेंट है, आपका उजाला रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आमेन। अगर आप सोचते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट एक लाइट तो आपके अंदर है। आमेन। और ऐसा कोई शख्स नहीं है खाली लाइट है, उसके पास बहुत सारे चीजें हैं। अगर दुनिया की बातों में आपके पास, अगर हम देखेंगे दुनिया की चीजों में अगर आप देखेंगे तो आप कितने समझदार होंगे, पैसा किधर लगाना है, क्या करना है, घर कैसे बनाना है, ये क्या ये टैलेंट है, सबके पास नहीं है। किसके पास है, वो बढ़ोतरी करता रहता है। हम देखते हैं कि दुनिया में जो जिसके हाथ में पैसा है उसको वो जानता है कि किस किस रीति से इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, किस किस रीति से इसको मैं मतलब मैं इसको ऊपर मैं ऊपर आना चाहिए, ये जो है इसको मैं इसमें डालूंगा, उसमें डालूंगा, बैंक में डालूंगा, इंटरेस्ट कमाऊंगा। वो क्या कर रहा है, दुनिया में तरक्की कर रहा है कि नहीं। पर उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं वो रूह में भी तरक्की करें और हर एक अपने टैलेंट को यूज करें। क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते पहले चर्च में अनाउंस किया था कि जिसके पास जो भी है टैलेंट है, जो अपना यूज करना चाहते, प्लीज आओ बताओ हमें,
और आप यूज हो सकते हो खुदा के घर में, पर कोई आके मेरे को नाम दिया नहीं, तो मुझे लगा मुझे ये शायद बताना पड़ेगा कि ये काम करना जरूरी है। आप सोचो नहीं कि बोल दिया सिस्टर दूसरी बार नहीं सुनेगी, मैं इसीलिए वचन के साथ लेकर आई हूँ कि आप जानो कि क्यों इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के घर में काम करने के लिए। जब परमेश्वर ने इस बदन को बनाया तो बदन का एक एक हिस्सा है, अगर हिस्सा काम करना छोड़ दिया तो क्या होगा, पूरे बदन को नुकसान है। क्योंकि अंदर आप एक एक शख्स के अंदर जो टैलेंट है खुदा ने इसलिए डाला कि ये टैलेंट यूज हो जाए पूरी कलीसिया में, पूरे बॉडी परमेश्वर के बदन में ये क्या है टैलेंट यूज हो जाए। हम देखेंगे कि आज पढ़ने वाले की किस तरह से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इसको मैं इंग्लिश में पहले बताऊंगी, गॉड हैज गिवन पोटेंशियल टैलेंट्स, गॉड गिवन पैशन एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, सम हैव पावरफुल प्रेयर एंड इंटरसेसरी पोटेंशियल। किस किस का पोटेंशियल क्या दिख जाता है कि वो प्रेयर में मजबूत है, प्रेयर में लगा रहता है। किस किस का पोटेंशियल कैसे पता चलता है, वो इंटरसेसरी मध्यस्थी के प्रार्थना दूसरों के लिए करता है, वो भी क्या है, वो टैलेंट है। शायद वो किसी को दिखता नहीं है पर वो अपना पोटेंशियल क्या कर रहा है, यूज कर रहा है खुदा की बादशाही में। हम देखते किसी को पोटेंशियल रहता है कि रूहों को जीतने का, वो किसी के बाजू में खड़े हो जाएंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो जाके गॉस्पेल शेयर करेंगे। वो क्या करेंगे, उनके दिल में है कि ये भी बच जाए जिस तरह से मैं बच गया हूँ। और फिर बहुत सारे लोगों को जैसे ऑर्गेनाइजर, अभी इधर आने से पहले बहुत कुछ इधर क्लीनिंग हो रहा था, सेटअप हो रहा था, वो क्या कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइज मतलब सब कर रहे थे अपने टैलेंट को। किसी ने उनको बोला नहीं ये करने के लिए, पर उनको पता है खुदा के घर में मेरा योगदान है और मैं कर रहा हूँ। और फिर बाद में हम देखते हैं कॉयर्स है, कोई बजाता है, मतलब अलग अलग तरह के सबके पास क्या है, टैलेंट है। बोलो मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास टैलेंट है, मैं उसको यूज करूंगा, मैं उसको यूज करूंगा, मैं परमेश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है, मैं उसको यूज करूंगा, उसको यूज करूंगा। हमें हमारे टैलेंट को हमें यूज करना है खुदा के घर में। अगर हम यहाँ यूज नहीं करेंगे वो स्वर्ग में किसी काम का नहीं है, जो दिया हुआ है वो यहाँ यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो हम उसको पढ़ेंगे एक वचन को, एफिसियों की किताब 4 एफिशियंस 4:11-12 इधर है तो पढ़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि किस किस के तरह के टैलेंट्स भी दिए उसने, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमेन। काय के लिए दिया है, हम देखते हैं कि टैलेंट्स दिया है, ये टैलेंट्स है किस किस को क्या है, अपोस्टल्स का दिया है, सम प्रोफेट्स, सम इवेंजेलिस्ट एंड सम पास्टर्स एंड टीचर्स। हर एक में मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर है, बोलो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो है, मेरे अंदर है। आमेन। आप हो सकते पास्टर नहीं है पर हो सकता है जब आप जो कलाम सीखते हैं वो दूसरों सिखाने के लिए आपके पास एक टैलेंट है। आमेन। आप हर कोई पास्टर तो नहीं बन सकता है, पर हम देखते हैं कि उसमें एक काम है, इवेंजलिस्ट का भी काम है, तो आप जाके इवेंजलिज्म करते हो। तो और फिर बाद में हम देखते हैं कि दूसरों को किस इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रोफेट्स, टीचर्स और हर अलग अलग तरह का आपको मिनिस्ट्री दिया गया है। तो फिर हम देख क्यों दिया गया है, 12 में पढ़ेंगे, ताकि मुकद्दस लोग कामत बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हाँ, किस क्यों यूज करना है, क्या तरक्की होती है, मसीह की बदन तरक्की होती है। अगर आप नहीं काम करने से क्या होगा, तरक्की स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जरूरी है कि जितनों को परमेश्वर ने काम दिया है फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब नहीं सोचना है। आपको जो दिया गया है वो आपने एक ही होना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। ताकि खुदा का कलीसिया उसका बदन है वो एडिफाई हो जाए, वो बढ़ता, वो तरक्की करे। अगर अगर एक इंसान अपना काम नहीं करेगा, अगर हम देखते कि स्कूल में, अगर स्कूल में बच्चे हैं, टीचर है, अगर है ना एक बच्चा अपना होमवर्क करके नहीं आता है, वो अपना होमवर्क नहीं करता है, वो टीचर को कितना तकलीफ है कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्या करती है, अपना पूरा एफर्ट्स डालती है सिखाने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि सब लोग ये क्लास पास होके दूसरी क्लास में जाए।
वो नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा एक क्लास में बैठे, ये बच्चा तरक्की करे तो ये क्लास तरक्की होगी, मतलब उसने जो मेहनत डाली है वो सारे बच्चों में दिखाई में देना चाहिए। अगर एक दुनिया के टीचर को इतनी फिक्र एक एक बच्चे की, परमेश्वर को अपने बदन की भी फिक्र है। आमीन। और उस बदन का आप हिस्सा हो। आप अपने आप को बोल नहीं सकते कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मुझे लोग क्या बोलेंगे, मेरे को लोग हंसेंगे, मेरे को ये आपने वो नहीं बोला। अगर वो जो ऐसा बोलता है, वो उसको खुदा क्या बोलता है, तू निकम्मा और आलसी। जो बहाने देता है वो क्या है, निकम्मा और आलसी है। परमेश्वर उसको यूज नहीं कर सकता है, उसको अंधकार के इसमें कोटरी में बंद कर दिया है। तो हम देखते हैं कि खुदा हमें जब बुलाता है तो जिम्मेदारी के साथ बुलाता है। बोलो, जिम्मेदारी के साथ बुलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पूरा करना है। अगर हम पूरा नहीं करेंगे, खुदा का काम कहीं ना कहीं के लिए हम ही रुकावट बनेंगे। पवित्र आत्मा तो रेडी है करने के लिए, पर हम अवेलेबल नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा किसको यूज करेगा? वो ढूंढेगा दूसरे को, पर क्या होगा, टाइम लग जाएगा, दूर ये हो जाएगा। हम पढ़ेंगे कोरिन्थियों की किताब, 1 कोरिन्थियों 12:19-25। हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह का मिनिस्ट्री है। आप उसको पढ़ सकते हैं, आप नोट लिखें और इसको वापस से घर पे जाकर ये जरूर इसके ऊपर मेडिटेट करें। 1 कोरिन्थियों 12:19-25। क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर की कौन से वरदान है, आप उसको कर नहीं पाओगे। 1 कोरिन्थियों 12:19-25। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्भर देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे स्वाहीन अंग और भी बहुत स्वाभावान हो जाते हैं। फिर भी हमारे स्वाभावान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी नहीं थी उसी को और भी बहुत आधार हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो दूसरा अंग नहीं। 25 को पढ़े, 25 को वापस से जोर से पढ़े। 25 को क्या लिखा है, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। एक दूसरे की बराबर चिंता करे। आपको एक दूसरे की चिंता करने के लिए बुलाया गया। आप नहीं सोच सकते मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, वो आए तो आए, वो नरक में जा रहे तो जाने दो, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप उस बदन का हिस्सा है, आपकी कलीसिया का अगर कोई भी, अगर कलीसिया का नहीं तो फ्रेंड्स कोई भी, आपने उसको सुसमाचार दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी उठाने की। आपने उसका क्या करना है, केयर करना है, केयर फॉर वन अनादर। अगर 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 हम कलीसिया में बैठे हैं, अगर हम नहीं जानते ये, अगर सामने कोई बैठा हुआ है कोई शख्स, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो इतने दुख तकलीफ से कठिनाइयों से परेशानी से गुजर रहा है, पर कलीसिया को किसी को भी नहीं पता है, क्या हम एक दूसरे की चिंता कर रहे नहीं? तो हम क्या होगा फिर उधर, अगर हम एक दूसरे की चिंता नहीं करेंगे, एक दूसरे को पकड़ के नहीं चलेंगे, तो वहां फूट आ सकती है। यहाँ पर किस्म और उधर फूट लिखा है ना हिंदी में और उर्दू में, जुदाई। मतलब एक इंसान सोचेगा मैं इस बदन का तो हिस्सा हूँ, पर आज तक किसी ने मुझे आके देखा नहीं, मिला नहीं, हाँ मेरी कोई चिंता नहीं करता है। हम जैसे मैं और रोशन है, हम लोग तो है, रोशन पास्टर है, मैं है, पर हम लोग भी काम करते, ड्यूटी करते, तो हम जितना हो सकते हैं हम जिम्मेदारी कर रहे हैं, पर कभी कभी हम डिले पड़ सकते हैं। हो सकता है हमें पता नहीं चल रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, पर अगर आप सोचते हो आप इस बदन के हिस्सा हो, तो आप एटलीस्ट एक कॉल करके बोल सकते हो कि मेरे जिंदगी में ये चल रहा है, प्लीज आप अपने प्रेयर, पर्सनल प्रेयर में रखें। इसका मतलब क्या है, हम उस इंसान को उठा रहे हैं। हो सकता है हम सबके सामने कुछ नहीं बोल रहे, पर सीक्रेटली उस इंसान के लिए क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलके हम कलीसिया चल सके। आमेन।
तो इसीलिए हमने एक दूसरे का बोझ लेना है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे उसको, अभी जल्दी जाएंगे हम लोग। रोमियो 12:3-4 में लिखा है, रोमियो की किताब 12। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, एक ही सा काम नहीं है, सबका अलग अलग काम है। कोई भी ऐसा ऐसा शख्स है कि जो जिसके पास टैलेंट है उसने अपने टैलेंट को क्या करना है, पूरे पूरे फोर्स में पूरी तरह से यूज करना है। क्योंकि हमने समझना है कि हम सबके ऊपर फजल हुआ है, और कोई अपने आप को नहीं सोचे कि मैं कुछ बड़ा हूँ कुछ छोटा हूँ, इसमें नहीं है। नॉट टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ मोर हाईली देन ही ऑट टू थिंक, बट टू थिंक सोबरली। हम लोग ने सब एक दूसरे को क्या सोचना चाहिए, अपना भाई बहन, अपना भाई बहन में अपन सोचते हैं अपन जब बड़ा है बट छोटा है, कैसे सोचते हैं हमारे फैमिली के अंदर, हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं छोटे हैं, खाली माँ बाप बड़े हैं, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। और जब हम आते हैं तो हमने एक दूसरे को वही इज्जत देना है और एक दूसरे की चिंता करना है, और जिस तरह का आपको विश्वास दिया गया है, क्योंकि हमने सब जाना चाहिए कि हम एक ही बदन के हिस्सा है, हम एक ही बदन के, इसीलिए हमारे अंदर कोई ऊंचा बड़ा नहीं है। हम बदन के हिस्से में, हमारे बदन में कोई ऊंचा बड़ा है, खाली मुंह सबको दिखता है हा? पर अंदर क्या क्या काम हो रहा है कि हम जानते हैं। अगर पेट नहीं काम करेगा तो हम पूरे बॉडी हमारा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो हमारा चेहरा अपने आप क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो इसी तरह से हर एक चीज शायद हमें दिखता भी नहीं होगा, पर वो भी शख्स कलीसिया में क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमें अगर हम पढ़ेंगे कि क्यों परमेश्वर ने ये गिफ्ट हमें दिए है, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके, और हर एक के लाइफ में हमने देखना चाहिए कि उसको मिनिस्ट्री दी गई है, कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री हर एक को सौंपी गई है उसमें हमने, क्योंकि जो अपने आप को बॉर्न अगेन कहता है मैं नए सिरे से जन्मा हूँ, उसी तवे पे पवित्र आत्मा ने उस इंसान को क्या दिया है, गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसको वो जानता है कि वो किधर बैठता है, उसको उधर फिट किया गया है ताकि वो यूज हो सके खुदा के बादशाही में। और हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह के गिफ्ट्स होते हैं। अभी हम कलीसिया के लिए देखेंगे, हम देखते हैं कि कलीसिया में क्या होता है, हम मुंह को देखते हैं, मुंह क्या होता है, क्वायर देख सकते हैं हा? क्योंकि कलीसिया में आते कोई किसी को नहीं जानता है हा? वो पहले देखते कि ये लोग किस तरह से गा रहे हैं, खुशी में है क्या, वो खुशी में है तो सब खुशी में है कि नहीं, जब आप स्माइल करते हो दूसरे स्माइल करते हो। तो इसीलिए जो ये कॉयर है, जो वर्शिप है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो खुदा के जलाल को नीचे लेकर आता है। हमें वो इसीलिए जब कॉयर हमारा जो कॉयर की जो वर्शिप लीडर है सैंड्रा है, एक एक चीज को वो ध्यान देती है कि परमेश्वर इस बात के लिए इधर तेरी ग्लोरी रुकनी नहीं चाहिए कोई भी चीज के लिए। तो वो लोगों जो मेरे बच्चे हो गए या जो भी है कौन है, उनको सिखाती है वर्शिप क्यों करना है, किसके लिए करना है। हम खुद के लिए नहीं कर रहे, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए वर्शिप नहीं कर रहे, हम खाली उनकी मदद कर रहे ताकि वो खुदा के साथ रास्ता बना सके, कनेक्ट कर सके। पर हम यहाँ खड़े होके हम कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, हम खाली आपकी मदद कर रहे कि आप जुड़ सके, हेवन के साथ कनेक्ट हो सके। हमें तो ये मकसद होता है क्वायर का। तो इसीलिए क्वायर खुशी से अपना जितना योगदान देते हैं उतने देते हैं। वो लोग नाइट प्रेयर में बैठते हैं, वो प्रेयर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि वो है ना एक कैसे वो हम देखते हैं कि घर में काइन होता है, अलग अलग तरह का काम होता है, प्रीस्ट का काम होता है, वर्शिप, ओल्ड टेस्टामेंट में वर्शिप भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम देखते हैं कि जेरिको वॉल गिरने के लिए पहले वो जा रहे थे बजाने वाले सब कुछ, फिर बाद में जाके वो जोर से चिल्लाए और क्या हो गया, वो गिर गया। तो मतलब एक एक चीज के लिए हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर का वो ऑल्टर ये जाता था हैकल हाँ संदूक जाती थी, तो उसके आगे प्रेज एंड वर्शिप की टीम जाती थी, ऐसे ही नहीं जाते थे। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आने से पहले हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। अभी वर्शिप में किसी को टैलेंट होता है बजाने का, तो वो अपना बता सकता है कि मैं बजाने के लिए मेरे को ये है करके, और किसी को सॉन्ग्स लिखने का भी होता है,
कंपोज कर सकता है, कोई अच्छी तरह से गीत गा सकता है, तो वो क्या है, अपना टैलेंट है। मैं भी टैलेंट चर्च के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। और दूसरा टैलेंट होता है इंटरसेसर्स का, जो किसी को नहीं दिखता है, हाँ, वो अपने अंगों के अंदर के भागे पर काम करते जा रहे, किसी को दिखाई में नहीं दे रहे, पर वो अपना वफादार। और इंटरसेसर में है, नाइट प्रेयर भी होता है, नाइट पूरी नाइट प्रेयर चलती है, जितना कर सकते कर रहे लोग इंटरसेसर करते कि परमेश्वर तेरी महिमा नीचे उतर के आए, लोगों को तेरा स्पर्श हो, लोग तुझे देखे, क्योंकि कलीसिया में आके अगर खुदा को ही नहीं देख लिया तो क्या फिर उसने पाया, वो आके सबका मुंह देख के चला जाएगा, है कि नहीं। पर वो जब खुदा को देखेगा तो वो खुदा को पकड़ लेगा, आमेन। तो ये हमारे जब नाइट प्रेयर में होता है तो यही हम प्रेयर करते हैं, जो अधिकार में बैठे हैं खुदावन सबके लिए, हम जब नाइट प्रेयर में इंटरसेशन प्रेयर में सब लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। फिर थोड़ा दूसरा थोड़ा दिया गया है टैलेंट है फास्टिंग प्रेयर। बहुत लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं कर सकते, पर खुदा ने आपको वो दिया है तो आप उसको करो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, पर जिसको वो टैलेंट दिया गया है उसको यूज करो, क्योंकि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो बहुत सारे बंधने टूट जाते हैं, आपके खुद के भी टूटेंगे, परिवार के लोगों के भी टूटेंगे, कलीसिया के लोग जो बंधन में हैं उनके भी टूटेंगे, आमेन। उनको भी एक 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 ग्रेस मिलेगा दौड़ने के लिए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि किसी को नाइट प्रेयर लीड करने के लिए, प्रेयर लीड करने के लिए वो भी क्या है, टैलेंट है। ऐसा इंसान कोई नहीं है इस जगह पर बोल सकता कि मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ है। और फिर बाद में देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि हेल्पिंग हैंड, कोई तकलीफ में है, कोई जरूरत में है, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, क्या बन जाता है, वो भी एक टैलेंट है, सबके पास नहीं होता है। हम कभी कभी देखते हैं हम साइड से निकल जाते हैं, पर किसके अंदर वो बोझ होता है, मैं उसके लिए कुछ करूं। फिर बाद में सर्विंग मिनिस्ट्री होती है, आते कलीसिया में सबको चेयर लगाना, ये करना, कुछ ना कुछ वो काम करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो किसके पास ऐसा टैलेंट है कि वो इधर जॉब है उधर जॉब है कनेक्ट करके दे, परमेश्वर उसकी बदन है ना हम लोग सब, तो एक भाई को एक बहन को हेल्प करे जॉब के एरिया में, किसी के एरिया में, और फिर किसी को फूड में। हम देखते हैं शमशाद भाई एक है कलीसिया में उर्दू के, वो कुछ ना कुछ सैटरडे के दिन, हमारा दिमाग इतना नहीं चलता पर उसका फूड मिनिस्ट्री में उसको चलता है, क्योंकि उसके पास वो टैलेंट है। तो वैसे हरेक को, वो शायद कलीसिया में दिखता नहीं है, आता भी नहीं है ब्रदर, क्योंकि उसकी ड्यूटी रहती है, पर वो एवरी सैटरडे को क्या करता है, कितना भी इधर खाना पहुंचा देता है कि ये कलीसिया के लोगों के लिए। कोई नहीं, किसी कोई जानता भी नहीं है शमशाद कौन है, पर सब खा रहे हैं। तो ये उसका खुदा ने उसको दिया हुआ टैलेंट है, वो कलीसिया में नहीं आ पा रहा है पर अपने टैलेंट को फिर भी यूज कर रहा है। फिर हम देखते हैं क्लीनिंग होता है, हॉल अरेंजमेंट होता है, लोगों की जरूरत रहता है। फिर हम देखते हैं अभी तो नया मीडिया मिनिस्ट्री के लिए कितना चीज लेकर जाना है, लेकर आना है सामान के लिए, वो सारा क्या है, आपका टैलेंट है जो आप यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास था नहीं पर खुदा ने ग्रेस दे दिया और अभी आप उसमें बढ़ रहे हो, आमेन। थोड़ा सा जब किस किस के पास फॉलो अप है, यहाँ ब्रदर है, कभी विंसेंट बैठ रहे थे, विंसेंट अभी तो 2 महीने से 3 महीने से इधर है, तो वो जब कलीसिया में आया तो 2-3 जन का जब उसको लेकर आया तो बोलते ये क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। मैंने बोला मेरे को तो याद भी नहीं है इस व्यक्ति का करके, तुझे याद है करके, तो मैंने बोला तो फॉलो अप के लिए बहुत अच्छा है। और वो अच्छे से बोला हाँ मैं करूंगा, मैं फोन करूंगा उसको, मतलब उसके अंदर एक टैलेंट है, परमेश्वर वो टैलेंट को भी देखता है। तो हम देखते हैं कि और किसी किसी को हॉस्पिटल विजिट करने का, जब मैं दुबई में रहती थी तो सचमुच में हम लोग जैसे सिस्टर्स लोग थे मिलके, हम लोग क्या करते थे, हमको हफ्ते की 2 छुट्टी होती थी, उसमें एक दिन हम जाके विजिट करते थे हॉस्पिटल में। हम किसी को जानते नहीं हॉस्पिटल में, ऐसे ही पहुंच जाते थे और कोई किसी को स्माइल देते थे और देखते थे कि वो थोड़ा कंफर्टेबल है, हम पूछते थे कि आपके लिए प्रेयर करें क्या, और उस तरह से हम उसके लिए प्रेयर करते थे। हम प्रेयर करते हुए दूसरा बार देख रहे हैं आपको प्रेयर चाहिए, हाँ हाँ प्रेयर करो हमारे लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई नहीं बोलेगा मुझे प्रेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वो भी एक एक टैलेंट है, वो गिफ्ट है। अगर यहाँ पर क्योंकि हम एक सिस्टर को जाते थे, नर्स थी वो, नर्स बिलीवर थी, तो उसके जरिए हम जाते थे, वो बोलती थी ऐसा एक है इंडियन, आप उसको आके मिलो, फिर बाद में अपने आप दरवाजे खुल जाएंगे। उसको एक को मिलने जाएंगे तो हम 10 लोगों को मिलके आ सकते थे। तो वो एक मिनिस्ट्री है। अगर पर आपके अंदर बोझ है तो प्रेयर करना शुरू करें। हर एक शुरू होता है किससे, पहले प्रेयर से। बोलो प्रेयर से शुरू करूंगा, जो भी मेरे पास टैलेंट है मैं पहले प्रेयर से शुरू करूंगा,
हाँ, तो हम उसको ग्रेस पूछना चाहिए कि खुदावन ये ग्रेस मुझे दे, तो वो ग्रेस जब आएगी तो दरवाजा खुल जाएगा। आमेन। वो मिनिस्ट्री करने के लिए हॉस्पिटल विजिट है, जो बीमार होते हैं कलीसिया में पता चलता है तो हमने उसके लिए प्रेयर करना चाहिए, जाके मिलना चाहिए, कहीं क्या उसकी मदद कर सकते हैं वो देखना चाहिए और विजिट करना चाहिए लोगों को। हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हफ्ते भर विजिट नहीं कर पा रहे लोगों को। तो अगर आप सचमुच में ऐसे सिचुएशन में है, प्लीज हमको एटलीस्ट फोन करें, आप इधर आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रेयर कर सकते हैं। शायद हम घर पे नहीं जा सकेंगे पर आप आ सकते हैं, दुआ करा सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं और खुदा आपको जरूर उस एरिया में ब्रेक थ्रू देगा। हम अगर पहुंच नहीं पाते तो हम लोग हमेशा, हमारे नंबर ऑलरेडी है फोन पे, किसी ना किसी से आप कनेक्ट करें और जुड़े और हम लोग सचमुच में परमेश्वर की दया से, उसके ग्रेस से आपको हेल्प कर सकते हैं। हमें इस किसी भी चीज, तो ये होता है विजिटिंग द पीपल। आप है, आप देखते हो कि अगे अरे वकास नहीं आया है या चलो हम विजिट करेंगे, क्यों नहीं आया, क्या ब्रदर आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। ये हम जब बोलते हैं कि हम बदन है तो एक्चुअली हम एक कम्युनिटी जैसे हैं, जिसके पास अच्छा सोर्स है, मतलब जैसे गांव होता है उसमें एक के पास कुआं है उसमें पानी आता है, सब लोग उस कुएं में जाते हैं पानी लेने के लिए, है कि नहीं। वो बोलता है कि मेरा नहीं चलेगा, इधर नहीं ले लेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो सबको हेल्प होना चाहिए। जैसे जो टैलेंट आपको खुदा ने दिया है वो सबको क्या होना चाहिए, काम आना चाहिए। फिर हम देखते हैं किसी को इवेंजलिज्म का, अगर मुझे इवेंजलिज्म का गिफ्ट है तो उसका साथ दो, वो एटलीस्ट वो क्या बोलता है उतना तो सुनो, उसके साथ जाओ कि आप किस तरह से देखो वो वचन दे रहा है बता रहा है। ये हमने इवेंजलिज्म तो करना ही है हर एक को। अगर हमारे पास टैलेंट है बहुत अच्छी बात है, हम टैलेंट के साथ जुड़ जाए और कुछ सीखे। और फिर हम देखते कि उसी तरह से अपोस्टल्स है, हम जैसे एक एक बातों में फेथफुल हो गए, पर सबसे बड़ा दर्जा जो अपोस्टल का खुदा हमको देगा। हमें पर जब तक आप इवेंजलिज्म नहीं करोगे, अपना टीचिंग का गिफ्ट यूज नहीं करोगे, प्रोफेसी का पास्टर का काम नहीं करोगे, आपको टाइटल जरूरत नहीं है कुछ काम करने के लिए। टाइटल ने खुदा ने ऑलरेडी दे दिया, उससे बड़ा टाइटल कौन सा है। जब खुदा बोलता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे ये सारे गिफ्ट दिए हुए हैं, ये टैलेंट्स दिए हुए हैं, तो अभी हम किसी का वेट करें। हम सलाह ले सकते हैं पास्टर से कि पास्टर मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ब्लेस करो ताकि मैं इसमें काम कर सकूं, तो हम ब्लेसिंग लेके ये कामों को कर सकते हैं। हमें और फिर हमारे जो भी है परमेश्वर हमें बढ़ाते रहेगा। हम नहीं सोच सकते कि जो आज एक मुर्दों को अगर जिंदा कर रहा है वो एक ही दिन में उठ के जिंदा हो गया उसका मिनिस्ट्री, नहीं, उसने गया होगा। अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे जो बुक्स पढ़ा करें, जो 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 मिशनरीज हैं किस तरह से वो लोग ने कष्ट उठाए, क्योंकि एक्चुअली मेरे को पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है, मैं बाइबल पढ़ू तो ही मेरे को ऐसा लगता है हाँ मैंने पढ़ लिया है करके, दूसरा बुक्स पढ़ने के लिए। पर मेरे को बहुत अच्छा है कि शालोम रोशिया कुछ ना कुछ पढ़ते और हम लोग को बताते कि ये ऐसा था, ये पास्टर पता है वो आज ऐसा प्रीच कर रहा है, उसके माँ बाप लोगों ने कितने मुश्किल से वो लोग कठिनाइयों से गए हैं, तब जाके देखो आज पास्टर भी इतने इसीलिए हिम्मत से वो मिनिस्ट्री कर रहा है, क्योंकि उसने देखा है अपने उसके माँ बाप किस तरह से मिशनरी का काम करते थे। रशिया में तभी बाइबल लेने के लिए बहुत मुश्किल था, जेल में जाते थे, पर इस तरह से उसने बताया कि खुदा ने उसके लिए रास्ते खोल दिए। और खुद वो जो सबसे कठोर आदमी था वो बोला जहां पर भी मेरी पोस्टिंग होगी मैं तुमको कॉल करूंगा, आप बाइबल लेकर आ सकते हो। मतलब इस तरह से परमेश्वर काम करता है, पर हमने कहना चाहिए कि परमेश्वर मैं अवेलेबल हूं, तभी वो यूज करेगा। अगर हम अवेलेबल नहीं है तो वो जो हमारे पर जो ग्रेस थी वो भी निकल जाएगी, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे, तो वो उस एरिया में ग्रेस कैसे हमारा बढ़ेगा। ग्रेस सबको एक लेवल का मिलता है, पर ग्रेस में बढ़ना हमारी जिम्मेदारी होती है, पर क्योंकि परमेश्वर ने ग्रेस दिया है एक दिन, पर उस ग्रेस में बोलता है कि तुम ग्रेस में बढ़ो, मतलब जो छोटा सा चीज आपको दिया है उसमें हमने बढ़ना है। तो अभी हम देखेंगे वो टैलेंट के बारे में, तो हमने सीखा भी, तो हम उसको खाली एक वो टैलेंट को देखेंगे कि नो फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट विदाउट अ टैलेंट। ऐसा कोई शख्स बोल नहीं सकता मैं यीशु मसीह का पीछा कर रहा हूं और मेरे पास कोई गिफ्ट्स नहीं है, कोई टैलेंट्स नहीं है। अगर वो बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे किसी को चुनता नहीं है। वो किस निकम्मे को, अगर गधे को यूज कर सकता है उसके जलाल के लिए, क्या वो आपको एक गिफ्ट दे के यूज नहीं कर सकता।
कर सकता है, गिफ्ट है ऑलरेडी आपके अंदर, जब ग्रेस मिला है ग्रेस के साथ गिफ्ट भी मिला है, बोलो जब ग्रेस मिला है ग्रेस के साथ गिफ्ट भी मिला है, आमेन। अभी अपना गिफ्ट आपने यूज करना है, तो नॉट फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट विदाउट अ टैलेंट। टैलेंट अलग अलग हो सकते हैं, हम किसी के टैलेंट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुदा ने आपको यूनिक चीज आपको दिया हुआ है, क्योंकि आप जब खुदा के नजर में यूनिक है, सब हम हमारे बच्चे तीन हो सकते हैं पर तीनों को हम एक ही जैसा सब कुछ नहीं कर सकते, तीनों में तीनों के टैलेंट्स अलग रहते हैं, किसी को पढ़ाई में ये चाहिए, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, वैसे हम लोग के सबके अलग अलग यूनिक टैलेंट्स खुदा ने हमें दिए हैं। टैलेंट में डिफर इन नंबर और डिग्री डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज गिवन टू एवरी मैन टू प्रॉफिट फॉर एवरीवन। वो जो भी गिफ्ट आपको मिला है दूसरों की भलाई के लिए, खुदा पवित्र आत्मा आपको यूज करने वाला है। अब सब में डिस्कवर दिया टैलेंट्स गिफ्ट्स एंड पोटेंशियल, यूज एंड डेवलप देम। थोड़ा सा छोटा सा ये रहेगा, हाँ मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, पर जब आप उसमें बढ़ोगे तब वो क्या होगा, वो आपका टैलेंट और पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। यू आप बच्चे फर्स्ट क्लास फर्स्ट टैलेंट में नहीं रहोगे, आप फिर तरक्की करोगे और दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बनोगे, तो आप वो डेवलप करोगे फॉर गॉड्स ग्लोरी। एसी बंद कर लीजिए। तो हम लोग ने ये नहीं करना, रिफ्यूज नहीं करना चाहिए कि खुदा मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं यूज नहीं हो सकता हूं। कभी भी नेगेटिव बातों को नहीं बोलना है, बोलना है खुदावन तूने चुना है तो तू मुझे यूज कर। और फिर एक चीज है जो खुदा हमारे से अकाउंटेबिलिटी, अगर आपको चुना है आपको गिफ्ट दिया है इसके बावजूद आप यूज नहीं करोगे, अकाउंटेबिलिटी को क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी हिसाब। हाँ आपका क्या होगा, आपका हिसाब किताब किया जाएगा, हर एक जन का क्या होगा, हिसाब किताब किया जाएगा। तो मैंने तुझे दिया था तू किस, तूने क्या किया, हम देखते हैं कि वो एक जन को बोला था तुझे एक दिया था मैंने, तूने उस एक तोड़े का क्या किया, उसने तो दफना के रख दिया। इसीलिए अपना टैलेंट दफनाना नहीं, नुकसान किंगडम के लिए भी है हमारे खुद के लिए भी है, तो अपना टैलेंट हम यूज करें, क्योंकि गॉड डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी मिसयूज, हमें इसको मिसयूज भी नहीं करना है गलत रीति से, और क्योंकि उसके ऊपर जजमेंट है, जो भी हमें दिया गया है एक ही मकसद के साथ। जैसे अभी किसी को अच्छा टैलेंट दिया है प्रीचिंग का, वो प्रीचिंग कर रहा है पर वो सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, मैं यूट्यूब में दिखना चाहिए, सब में मैं दिखना छा जाना चाहिए, इसका अकाउंटेबिलिटी लिया जाएगा। ये जो मिसयूज किया हुआ है चीज है, इसका क्या होगा, इसको भी क्या होगा, परमेश्वर हिसाब देगा, क्योंकि किस मकसद से किया, मैंने टैलेंट दिया था मेरी बादशाही के लिए, मेरे लोगों को एडिफाई करने के लिए, तुझे एडिफाई करने के लिए नहीं। अगर जो भी कुछ खुदा आपको देता है एक चीज सोचना चाहिए, किसके एडिफिकेशन के लिए, परमेश्वर के लिए। अगर खुद का एडिफाई करना है दुनिया की चीजें में किसी में भी एडिफाई करो, परमेश्वर का जगह लेके अपने आप को एडिफाई मत करो। समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ, अगर अपने आप को वर्ल्ड फेमस बनाना है दुनिया के तरीके यूज करो, वर्ल्ड फेमस बन जाओ, खुदा तो उसके लिए ना नहीं बोलेगा। कुछ भी आप अच्छा टैलेंट करो, यूज हो जाओ, दुनिया में छा जाओ, परमेश्वर आपको ना नहीं बोलेगा। परमेश्वर का जगह अपनी ग्लोरीफाई के लिए मत यूज करना, क्योंकि उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर जब टैलेंट देता है वो टैलेंट देता है कि उसकी कलीसिया का, उसकी बदन का तरक्की होने के लिए, आपकी तरक्की का, तरक्की तो आप करोगे, क्योंकि जब आपके पास टैलेंट्स होंगे, आपके पास हीलिंग मिराकल गिफ्ट्स भी है, ये गिफ्ट्स है, आप हीलिंग करोगे, लोग आएंगे आपके पास, पर लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे कि आप चंगाई करते हो, प्लीज प्रेयर करो। पर आपने इसमें किसको जलाल देना चाहिए, यीशु को, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, ये यीशु कर रहा है आपके लिए। जब हम ग्लोरी जिसका है उसको देते हैं, हम बादशाह में बने रहेंगे, पर जिस दिन हमने खो दिया तो हम बादशाह से जिस तरह से वो निकम्मे के जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हर एक को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना टैलेंट अपना पोटेंशियल जो भी खुदा ने दिया है जाके देखो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तूने मुझे तो ऐसे ही नहीं बनाया, इतना खूबसूरत दिया है तो उसके अंदर खूबसूरत गिफ्ट भी दिया है, आमेन। मैं कलीसिया में यूज करना चाहता हूँ, मैं तेरे बदन में यूज होना चाहता हूँ, खुदावन तू मुझे बता कौन से एरिया में मैं हूँ। और हम देखते हैं कि इस कलीसिया में बहुत सारी जरूरत है, बहुत सारे क्या है वैकेंसीज है, वो भरना है, तो प्लीज अपने पोटेंशियल्स को लेकर आए और वो वैकेंसी भरिए।
हमें क्यों क्यों वैकेंसी मेरे मेरे लिए तो आप नहीं काम करोगे, रिवॉर्ड आपको कोई और देने वाला है हमें, क्योंकि अगर मैं दूंगी तो वो इधर का ही रहेगा, ऊपर से आएगा वो रिवॉर्ड हमेशा के लिए रहेगा हमें, और आप हमेशा के लिए परमेश्वर के बादशाह के लिए शाइन होते रहोगे। तो इसीलिए मैं यही आज का मेरा टॉपिक था कि परमेश्वर ने, क्योंकि लास्ट दो हफ्ते पहले मैंने कहा था कि प्लीज अपना जो भी आपके पास टैलेंट्स है, जो भी आप परमेश्वर की बादशाही के लिए करना चाहते हैं, प्लीज आके बताया करके, तो कोई आके बताया नहीं, तो मैं अभी उम्मीद तो करती हूँ कि जो मैंने बताया उसके द्वारा तो जो परमेश्वर आपसे बात करेगा, तो प्लीज आप लेकर आए और वो वैकेंसी को फिल करिए। परमेश्वर के बादशाही में बहुत सारा वैकेंसी है, क्योंकि जब बेदारी आएगी बहुत लोगों की जरूरत है, इसके लिए खुदा ने आपको कलीसिया में रखा हुआ है। उस जब हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत तो पक चुके हैं, कौन कमी है, काटने वाले मजदूर कम है, मतलब है ना वैकेंसी, तो मजदूर बनो। कौन से एरिया में खुदा आपको यूज करना चाहता है, खुदा से पूछो, मेरा खुदा जो जिंदा खुदा है, अगर किसी ना चीज को, मतलब जो किसी लायक ने अगर उसको उठाकर खड़ा कर सकता है, तो वो जरूर आपको भी खड़ा करेगा उसके जो भी उसके काम के लिए, उसके मकसद के लिए, उसका प्लान आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते तेरे कलाम के जरिए जो बात किया गया परमेश्वर पिता, आज तेरे लोगों ने सुना है परमेश्वर पिता, तूने हर एक को टैलेंट से ब्लेस किया है परमेश्वर पिता, अगर वो नहीं जानते तो आज तू उनको प्रकट कर परमेश्वर पिता, बता कि तेरी क्या मर्जी है इनकी जिंदगी के लिए परमेश्वर, तेरे लोगों को तू बता परमेश्वर पिता, तूने जब उनको चुना है तो एक मकसद के साथ चुना है परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि खेत तो पक चुके पर मजदूर कम है, खुदावन हम सबको तू एक मजदूर बना परमेश्वर पिता, ताकि उस बड़ी कठिनाई को हम काट सके परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक के ऊपर तेरी ग्रेस को, एनॉइंटिंग को तू रिलीज कर परमेश्वर पिता, ताकि हर एक पावरफुली यूज हो जाए तेरे किंगडम के लिए, खुदावन मैं शुक्र करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक को तूने ब्लेस किया है, हर एक को जो बुलावट दी है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, सब अपने बुलावट में वफादार होने के लिए तू उनकी सहायता और मदद कर, हर एक को तू फेथफुल बना परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के पवित्र नाम में।